तो पोरबंदर में हम एक और नई जगह पे आ गए हैं जिसका नाम है सुदामा टेम्पल। ये करीबन 100 साल पुराना टेम्पल है जो जेठवा डायनेस्टी में 1902 से लेकर 1907 के बीच में बनाया गया था। चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बाहर से भी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये मंदिर कैसा दिखता है। करीबन दिन के 12:30 बजे और हम एक और नई जगह पे आ गए हैं पोरबंदर के अंदर, जिस जगह को सुदामा का बर्थ प्लेस कहा जाता है। तो चलिए हम इस मंदिर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा है। अच्छा, ये सुदामा परिक्रमा है, लोग इस परिक्रमा के अंदर चल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए तो सोच में पड़ गया कि लोग यहाँ पे क्यों वॉक कर रहे हैं। तो ये देखने से मेरे को ये पता चला, यहाँ ये जो बैठे हैं इन्होंने मेरे को बताया कि सुदामा जी इसमें से चल के सामने उनका पहले महल था उसमें गए थे। ये देखिए यहाँ पे कृष्णा जी और सुदामा जी गले मिलके हुए, इनकी एक दो मूर्तियाँ लगाई हुई है। ये एक इकलौता इतिहास में एक ही सुदामा टेम्पल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये देखिए बाहर से इसका अपने को स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब मैं थोड़ी देर में मंदिर के अंदर चलूँगा और कौन से भगवान की मूर्तियाँ ये हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पुजारी से बात करने पे मेरे को ये भी पता चला कि ये सुदामा जी का धर्मस्थान है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुदामा जी को चावल और कपड़े चढ़ाए जाते हैं, और सामने एक और जगह भी लिखा है कि सुदामा जी का प्रसाद खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तो ये यहाँ पे पुजारी है और मैं आपको यहाँ इस टेम्पल का थोड़ा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सुदामा जी का जन्म स्थान है, झुगड़ी की जगह है, चंद्रमुखी प्रसाद खा के जो कंचन का मेल बना दिया था वही भूमि सुदामापुरी तीर्थ धाम है। सुदामा मंदिर के पीछे की साइड और भी भगवान की कुछ मूर्तियां हैं जहाँ पे इन सबका नाम लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। और ये पीछे की साइड मंदिर ये रहा। मोस्टली हिंदुस्तान के हर मंदिर में ऐसा लिखा होता है कि यहाँ फोटो लेना मनाही है। इस मंदिर में भी लिखा है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग तो भी फोटो ले रहे हैं।